What's up guys, welcome to my channel. तो आज मैं लाया हूँ किंगडम कम कॉमिक का लास्ट चैप्टर नेवर एंडिंग बैटल। Sky gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. तो गाइस जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि गुलाग में कैप्टन मार्वल ने अपनी लाइटनिंग पावर से सारे क्रिमिनल्स को अपनी सेल से बाहर निकलने में मदद की थी और अब फाइट शुरू हो चुकी थी। ये सब स्पेक्टर और नॉर्मन मैके देख रहे होते हैं। तो गाइस यहां मैं बता दूं कि स्पेक्टर टाइम और स्पेस से बाहर एग्जिस्ट करता है, इसीलिए वो कहीं भी और कभी भी आ और जा सकता है। ये देखकर नॉर्मन मैके स्पेक्टर से कहता है ये सब बंद करवाओ, जिसपे स्पेक्टर बोलता है मैं अभी कुछ नहीं कर सकता, मेरा काम अभी बाकी है। और तभी हम देखते हैं और सुपरमैन जहाँ शज़ैम जीत रहा होता है और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यूएन में डिफरेंट कंट्रीज के ह्यूमन लीडर्स ने कैंसस गुलाग की तरफ 3 न्यूक्लियर मिसाइल्स दागने का फैसला किया है, क्योंकि सुपर हीरोज की इस जंग में ह्यूमन वर्ल्ड भी खत्म होने वाला है। और तभी जब लग रहा था कि और कोई होप नहीं बची है तो बैटलफील्ड में बैटमैन अपनी फोर्सेस और रोबोट्स लेकर आ जाता है। वो इस वॉर को रोकने के लिए भरपूर कोशिश करने लगता है और तभी वंडर वुमन एक सुपर हीरो को मार देती है और बैटल और खतरनाक हो जाता है। और बैटमैन डायना से कहता है बस इतना काफी है, तुम अपने फोर्सेस से कहो कि वो वापस चले जाए। इस पे डायना कहती है वो यहाँ अमन कायम करने के लिए आए हैं और उसके लिए वो कोई भी तरीका इस्तेमाल करेंगे। बैटमैन कहता है क्या तुम अपना अमेज़ोनियन विजडम भूल गई हो, और मैंने सुना है कि तुम्हें पैराडाइज आइलैंड से निकाला गया है, और ये बात तुम जान लो कि ये सब करके तुम्हें वो सब वापस नहीं मिलने वाला। जिस पे वंडर वुमन कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की, और उसे फ्लाई करते हुए ऊपर हवा में ले जाती है। मगर तभी वो देखते हैं 3 न्यूक्लियर मिसाइल जो कि बैटलफील्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, और वहाँ बैटल में शज़ैम सुपरमैन पे भारी पड़ रहा है और अपनी लाइटनिंग स्ट्राइकिंग पावर्स की वजह से शज़ैम ने सुपरमैन को ब्लीड करवाया है। 3 में से 2 न्यूक्लियर मिसाइल्स को वंडर वुमन और बैटमैन कंट्रोल करके डिफ्यूज कर लेते हैं, बट तीसरा बैटल साइट की तरफ बढ़ रहा होता है और तभी सुपरमैन बिली के माउथ को अपने हाथों से कवर करता है, जिसकी वजह से बिली बैटसन कैप्टन मार्वल में चेंज नहीं हो पा रहा होता है। और सुपरमैन अपने एक्स्ट्रा विजन यूज करता है, उसे न्यूक्लियर मिसाइल को सेंस कर लेता है। इस दौरान स्पेक्टर नॉर्मन मैके से कहता है कि यही वो टाइम है जब फैसला होगा, अगर मिसाइल ब्लास्ट होता है तो सारे सुपर ह्यूमंस मारे जाएंगे मगर ह्यूमैनिटी बच जाएगी, बट अगर उल्टा हुआ तो ये लड़ाई अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगी। दोनों साइड से इवल भी है और अच्छाई भी। और स्पेक्टर नॉर्मन मैके से कहता है कि नॉर्मन मैके तुम मुझे ये बताओ कि इन दोनों में से बुरा कौन है, इसी काम के लिए तो मैंने तुम्हें सबसे पहले चूज किया था। यहाँ मैं बता दूं कि स्पेक्टर एंजल ऑफ वेंजेंस है जो कि सिर्फ बुराई करने या बुराई फैलाने वाले को पुनिश कर सकता है। वहाँ सुपरमैन बिली बैटसन को समझा रहा होता है कि ये आखिरी डिसीजन है, मुझे तुम वो बम रोकने दो ताकि मैं यहाँ पर बाकी सुपर हीरो उसको बचा पाऊँ, और तुमसे अच्छा ये फैसला और कोई नहीं कर पाएगा क्योंकि तुम एक सुपर हीरो गॉड और एक ह्यूमन भी हो। और सुपरमैन बिली के माउथ से हाथ हटाता है और मिसाइल की तरफ फ्लाई करता है, मगर बिली बैटसन कैप्टन मार्वल में चेंज होता है और वो भी मिसाइल की तरफ फ्लाई करने लगता है, और वो सुपरमैन को नीचे धक्का दे देता है और खुद मिसाइल को अपनी लाइटिंग स्ट्राइकिंग पावर के साथ ब्लास्ट कर देता है। और इसी दौरान शज़ैम कैप्टन मार्वल की डेथ हो जाती है। सुपरमैन को लगता है कि वो अकेला सर्वाइवर है इस पूरे ब्लास्ट का, और वो ह्यूमंस को पुनिश करने के लिए निकल पड़ता है यूएन की तरफ। वहाँ स्पेक्टर नॉर्मन मैके से कहता है कि जजमेंट पास हो गया है और उसका काम यहाँ पर खत्म हो गया है। इसमें नॉर्मन मैके उसे कहता है नहीं, तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ, मुझे तुम यूएन ले चलो वरना सुपरमैन वहाँ सबको मार देगा। और वहाँ यूएन बिल्डिंग में सुपरमैन सबको मारने ही वाला होता है कि नॉर्मन मैके वहाँ आ जाता है और सुपरमैन से कहता है क्लार्क प्लीज ये मत करो, मुझे पता है कि तुम खुद को मैगॉग कैप्टन मार्वल के लिए जिम्मेदार समझते हो, तुम गुस्से में हो और तुम ये बात भूल रहे हो कि अगर तुमने ये किया तो लोग तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। और तभी वहाँ पर बाकी सुपर हीरोज भी आ जाते हैं जिनको कि ग्रीन लैंटर्न ने अपनी पावर की वजह से बचा लिया था, और बहुत ही कम सुपर हीरोज मारे गए थे। फिर सुपरमैन बोलता है अब हम सारी चीजें ठीक करने वाले हैं, मगर मिलके अब हम सब सुपर हीरोज ह्यूमंस के साथ काम करेंगे, ना कि वो हमारे खौफ के तले जिएंगे। हम अपने पावर्स लोगों के भले के लिए यूज करेंगे और उनका ट्रस्ट जीतेंगे, और ये सब सिर्फ एक आदमी की वजह से पॉसिबल है, वो है बिली बैटसन कैप्टन मार्वल। मैंने उसे कहा कि तुम सुपर हीरोज और ह्यूमंस के बीच में चूज करो, तो उसने चूज की जिंदगी। और इसके बाद हम देखते हैं कि वंडर वुमन को वापस पैराडाइज आइलैंड में जगह दी गई है और बैटमैन अब लोगों की मदद कर रहा है और अपने रिटायरमेंट से वापस आ गया है। और हम देखते हैं सुपरमैन को जिसने कि उस बैटल ग्राउंड को
को अब एक ग्रेवयार्ड बनाया होता है और वहाँ पर उन सब की ग्रेव्स होती है जो भी इस कंफ्लिक्ट में मारे गए थे। उसके बाद हम देखते हैं नॉर्मन मैके और स्पेक्टर को। नॉर्मन स्पेक्टर से पूछता है, हर किसी के गुनाह अब तुम्हारे सामने है तो तुम किसे पुनिश करोगे? जिसपे स्पेक्टर बोलता है, यहाँ तो किसी को नहीं। और नॉर्मन पूछता है, तुम्हें मेरी जरूरत अच्छे और बुरे में फैसला करने के लिए चाहिए थी, पर एक टाइम पे तुम खुद ह्यूमन थे। अगर उस ह्यूमन को ये काम करना होता तो वो किसे चूज करता? जिसपे स्पेक्टर अपना ह्यूमन फेस नॉर्मन मैके को दिखाता है और कहता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि नॉर्मन मैके अपने चर्च में सरमन दे रहा होता है और जिम कॉरिगन, जो कि स्पेक्टर का ह्यूमन फॉर्म है, उसका सरमन चर्च में बैठ के सुन रहा होता है। गाइस फिर हमें दिखाया जाता है मेट्रोप्लस एक साल के बाद, जहाँ सुपरमैन और वंडर वुमन ने शादी कर ली होती है और वो बैटमैन को अपने आने वाले बच्चे का गॉड फादर बनाने के लिए बोल रहे होते हैं। और उसी रेस्टोरेंट में हम देखते हैं नॉर्मन मैके और जिम कॉरिगन को, जो कि बैटमैन, वंडर वुमन और सुपरमैन के साइड में बैठे हुए होते हैं। तो गाइस ये थी किंगडम कम की फुल कॉमिक स्टोरी। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी और जल्दी ही मैं लौटूंगा एक नई कॉमिक सीरीज के साथ। पर उससे पहले मैं बता दूं कि किंगडम कम कॉमिक ने 5 एजनर और हार्वी अवार्ड्स जीते हैं और इसके अलावा बेस्ट लिमिटेड सीरीज और बेस्ट आर्टिस्ट के अवार्ड्स भी जीते हैं।